देखिए ये डोरी बनाने के लिए आप दो कलर का ऊन लीजिएगा, टू प्लाई रेड और पीला, और इस दोनों को हम मिक्स कर लेंगे और फिर ये दो चेन बनाएंगे, दो से तीन चेन बनाएंगे और फिर इस तरह से हम इस चेन के अंदर से दो फंदा खींचकर इस तरह से इसको बंद कर देंगे, फिर तीन चेन बनाएंगे। देखिए तो ये मेरा डोरी बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से डोरी को बनाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जितिया का धागा का ये लड़ी बना लिया है। अब इसमें हम लॉकेट कैसे लगाएंगे और लॉकेट कैसे बनाएंगे वो आपको बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं पहले चेन बनाऊंगी, कम से कम आप 15 से 20 चेन बना लीजिएगा। उसके बाद उसमें डबल क्रोशिया डालते हुए इस चेन को पूरा भरिएगा। तो फिर ये लॉकेट कैसे हम सियेंगे और कैसे उस लड़ी में हम लगाएंगे सो आप देखिएगा। और ये लड़ी आप एक कलर से भी बना सकते हैं और टू कलर से भी बना सकते हैं, और ये टू प्लाई ऊन भी ले सकते हैं और सिंगल प्लाई भी आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बनाइए, फिर मैं इसमें आगे बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डबल क्रोशिया डालते हुए इसको पूरा कर लिया है। अब इस तरह से हम दो चेन बनाएंगे और यहाँ कुछ कुछ दूरी पर इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करते जाएंगे, फिर दो चेन बनाएंगे, फिर ये एक छोड़कर इसमें फिर जॉइंट करेंगे, फिर दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये दो छोड़कर इस तरह से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको पूरा कीजिए दो चेन। फिर इसमें हम इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चेन आपको डालना बताया था। अब उसके बाद इसमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से डालकर इस तरह से फिर ये इसमें हमको सिंगल क्रोशिया से डालकर जॉइंट करना है। फिर ये दो चेन जो डाले थे उसके बीच में हमको एक सिंगल क्रोशिया डालते हुए यहाँ सिंगल क्रोशिया से हमको जॉइंट करना है। फिर ये एक डबल क्रोशिया डालते हुए फिर इसको यहाँ पर हमको जॉइंट करना है। देखिए इस तरह से मेरा ये पूरा हो गया है। अब हम इसकी सिलाई कैसे करेंगे तो देखिए, इसको इस तरह से हम करेंगे। देखिए इस तरह से सुई में धागा डालकर इसकी हम सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेंगे। तो ये मेरा लॉकेट बनकर तैयार हो जाएगा और फिर हम इसमें आगे लड़ी कैसे डालेंगे सो आपको दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। मैं दो वीडियो पहले डाल चुकी हूँ, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगे तो दूसरा वीडियो देखिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। ये भी बहुत आसान है और वो भी बहुत आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर इस लॉकेट के लड़ी लॉकेट में अब लड़ी कैसे लगाएंगे सो देखिए। इस तरह से आप इसको इस तरह से क्रोशिया की सहायता से आप इसको या सुई की सहायता से आप इसमें लड़ी को सिल दीजिएगा तो ये बन जाएगा। और इधर भी देखिए इसी तरह से हम
यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। और पहले वीडियो में मैं बताई हुई हूँ, ऊपर में आप एक पॉम-पॉम लगा लीजिएगा पीछे बंद धागा में, तो आप लोग इसे गला में पहनने में आसानी होगा। देखिए इस तरह से मेरा ये बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर आप एक पॉम-पॉम लगाकर इसमें चेन 5-6 बनाकर इसमें ऐसे कर दीजिएगा, या आप कोई हुक भी इसमें लगा सकते हैं। इस तरह से आप इसको गला में पहनिएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। और यहाँ से थोड़ा सा डिजाइन में बना देती हूँ ताकि और सुंदर लगेगा। तो इसके लिए आप यहाँ थोड़ा सा ऊन लेकर रेड कलर का यहाँ पर 10 चेन बनाकर इसको इस तरह से फिर वापस यहाँ पर हम इसको ज्वाइंट कर देंगे तो ये खूबसूरत लगेगा। देखिए इस तरह से फिर ये धागे सबको जो निकला हुआ है उसे कैंची से काट कर अलग कर देंगे तो ये सुंदर बन जाएगा। और ये देखिए इसमें मैंने 2 जीतिया का प्रयोग किया है, जिनको जो 2 बेटे हैं वो इसमें सिर्फ 12 से 15 चेन बनाकर इसमें सिल दीजिएगा तो ये लॉकेट तैयार हो जाएगा। और इसमें मैंने ये लड़ी बनाने के लिए एक कलर का यूज़ किया है, तो देखिए ये दोनों देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।